दोस्तों, कमजोर आंखें और आंखों पर लगा नजर का चश्मा पर्सनैलिटी खराब करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कमजोर आंखों वाले लोगों को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि आंखों के कमजोर होने और अन्य समस्याओं के लिए 90% इंसान खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आजकल खाने में पोषक तत्वों की कमी भी आंखों के रोग का कारण बन रही है। इसके अलावा पूरी नींद ना लेना, तनाव, भागदौड़ और सिरदर्द आंखों के रोग का कारण बन रहा है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो आंखों की मांसपेशियों को आराम नहीं मिलता, जिसके चलते आंखें धीरे धीरे खराब होने लगती है। आज हम आपको कुछ ऐसे आहार और अन्य तरीके बता रहे हैं जिससे आंखें खराब नहीं होती है। क्या है वो तरीके, आइए जानते हैं। अगर आप स्वस्थ आंखें चाहते हैं तो सबसे पहले अपना खान पान सही करें। हफ्ते में कम से कम 3 बार मछली का सेवन करें। इसके सेवन से आंखों में ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा पालक का सेवन करें, ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। अपने आहार में अंडे को भी शामिल करें क्योंकि इससे ल्यूटिन और जियाक्सेंथिन मिलता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। किसी भी ऐसी हवा से बचना चाहिए जिससे आंखों की नमी चली जाती हो, जैसे एसी की सीधी हवा। अपने घर, ऑफिस या गाड़ी में एसी के पैनल को हमेशा नीचे रखें ताकि आपकी आंखों पर सीधी हवा ना लगे। शुष्क हवा लगने से अंधापन या कॉर्निया में बीमारी हो सकती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है और आपको पढ़ने में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए। ये आंखों को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतर तरीका है। इससे आंखों में होने वाली समस्या से भी निजात मिल जाती है और समय पर उसका इलाज भी हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस को कम रखें। इससे आपकी आंखों को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और स्क्रीन की तीव्र रोशनी से आंखों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आपकी पलकों का लगातार झपकना एक सामान्य प्रक्रिया है जो आपकी आंखों को तरोताजा रखता है और आंखों को तनाव मुक्त रखता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी आंखों की पलकों को कम झपकाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और जब हथेलियां गर्म हो जाए तो उन्हें हल्के से आंखों पर रख लें। ऐसा करने से आंखों का तनाव काफी हद तक दूर हो जाता है। इसके अलावा आंखों के तनाव को दूर करने का एक और आसान तरीका है, अपनी आंखों को बंद रखें और किसी सुंदर सी जगह होने की कल्पना करें। इससे आंखों को काफी आराम मिलता है। पानी आपकी सभी समस्याओं का निदान करता है। समय समय पर अपनी आंखों को धोते रहें। इससे आंखों में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और वह स्वस्थ रहेगी। बाहर से आने के बाद आंखों पर पानी की छींटे जरूर मारें। कहीं भी बाहर धूप में निकलने से पहले सनग्लासेस जरूर पहनें। इससे आपकी आंखें पराबैंगनी किरणों से बची रहेंगी और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए आप जब भी सनग्लासेस खरीदने बाजार में जाएं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो पूरी तरह यूवी प्रोटेक्शन देने में सक्षम है या नहीं।